बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे इंतहाई स्पेशल सब्ज़ी कचनार गोश्त। ये हाफ कप कुकिंग ऑयल मैंने पैन में डाल दिया था। दो दरमियाने साइज के प्याज चॉप करके इसमें डाले हैं। इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। प्याज लाइट गोल्डन हो गया, अब हम इसमें शामिल करते हैं एक गठी लहसुन की फाइन चॉप की। अब इसमें शामिल करते हैं एक दरमियाने साइज का टमाटर, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून खुश धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल करते हैं और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। एक प्याली बारीक क्यूब्स में कटा हुआ चिकन, मशाला से चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैंने कचनार जो है आपको सेव करने का तरीका बताया था, ये मैंने सेव की हुई थी, आधा घंटा पहले फ्रीजर से निकाल के रख दिया था, ये मैं इसमें शामिल करती हूँ। 1/2 कप पानी शामिल करते हैं और इसको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे लगा देते हैं। ये देखिए मशाला से कितनी ज़बरदस्त कचनार जो है वो गल चुकी है, ऑयल इसने छोड़ दिया है, विटामिन के पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है। देखिए सेव की हुई हमने कचनार पकाई है और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप मैंने दही लिया है जिसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, ये इसमें शामिल करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और दोबारा सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगाते हैं ताकि जो हमने दही शामिल किया है इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए इसका दम पे लगाया है और दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। इसको मज़ीद भूनने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल जो है वो ऑलरेडी सालन ने छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं।